ऐसा 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 पासवर्ड डाला है हमारे कैमरे के अंदर, ओपन ही नहीं हो रहा है। और ये पक्का हरकत ना दीपक की है, और स्मार्ट पास कर रहा है। मैंने तो पासवर्ड डाला नहीं, भैया ने डाला, उसका नंबर देखना। अब इतना टाइम हो गया ना एक्चुअली, तो इसलिए याद नहीं है। तो फिलहाल अभी कैमरा इंस्टॉल हो रहा है और एसी, अगर हमारा एसी चालू नहीं हुआ है तो होपफुली अभी सर्विस हो गया, एसी टंग जाएगा और अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर पापा। और ये वाला मैंने सूट डाला है ना, पता नहीं कैसा लग रहा है, मैंने इतना खुला खुला सूट नहीं डाला, बट आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल बिकॉज बहुत ज़्यादा खुला है गर्मी में। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर और दीपक पीछे से कैमरे सेट करा लेगा, और उसके बाद मैं जाऊँगी भाई के साथ मार्केट बिकॉज मुझे कुछ सामान लेना है। तो अभी लेने के लिए मुझे पापा आ रहे हैं, और मैंने सोचा जाते जाते पहले मैं गन्ने का जूस पी लूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, ठंडा ठंडा खाने पीने का मन कर रहा है। सो यानी हेयरबैंड लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था, बट आई एम फीलिंग ओके ओके। एक्चुअली बैंड लगाने से ना सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है यार चलता है। तो अभी मैं फिर जमने वाली हूँ, और अगर मुझे टाइम मिला तो अब मैं जाऊँगी आज लाजपत नगर, बिकॉज मुझे कुछ सामान लेना है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो नीचे उधर ही जाती हूँ, आ ही गए पापा ऑलमोस्ट। अभी हम थोड़ा सा सामान लेके आए हैं, मार्केट गए थे और गाड़ी इतनी भर गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं टायर्ड हो गई हूँ। बट अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। इफ़ आई गेट टाइम तो डेफिनेटली अपने पेंडिंग वाले काम भी क्लियर कर लूँगी, और दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज मुझे जाना है बच्चों के बैग, शूज़ और ड्रेस लेने के लिए, और लंच बॉक्स भी। तो इट विल टेक, ओ माय गॉड, दिखाती हूँ मैं ये बंदा क्या कर रहा है। शिट, कपड़े फट हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मम्मी है ना, सबको भाषण दे रही है कि बच्चों को काजल नहीं डालने देना चाहिए क्योंकि ये पॉल्यूशन होता है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं जरा बताएं, क्योंकि राधिका की आंखों में इसकी मम्मी बहुत काजल डालती है। काजल डालना चाहिए अगर तू बच्चों की आंखों में? नहीं। सो इज्जत और शर्म जो है बस मेरी आंखों में डली आज तक, बाकी किसी की नहीं। सो गाइज, अभी सीन ऐसा हुआ कि मैं और भाई ना बाजार गए थे सेक्टर 17 की सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे हमने सामान लिया मम्मी, ठीक है मम्मी, चलो यहाँ पे देखो, ऐसे चोरी करके रिकॉर्ड करने तो कुछ नहीं होता, बोलना पड़े, ठीक है। तो हुआ ऐसा मम्मी, हम गए 17 सेक्टर की मार्केट में, ठीक है। तो इनने पंकज ने बोला कि कुछ खाएगी, मैंने बोला मैं नहीं खा रही, कोई पहचानता नहीं वीडियो। फिर थोड़ी देर बाद ना सुनो तो सही, बंदे के छोले नहीं, एक्चुअली ये फोन पे था, तो मैंने बंदे के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे, इन्हें बोला एक प्लेट दे दो खाने हैं, और जब वो उसने बोला खाने हैं पैक करने, तो उसकी इतनी ज्यादा नाक बह रही थी, भरी हुई थी, दिल खराब हो गया, भगे कह रहा खिला दो भटूरे, मका भी आ रही मैं थोड़ी देर में, और पूरी नाक भरी हुई आया है। नहीं नहीं दुकान खोली मैं क्या बताऊं, इसका ब्रेकफास्ट कराओ, मोटू को नीचे बैठा है, यहाँ पे चाय आ गई पर कुछ नहीं आया चाय के साथ, बिस्कुट दे दो रे बिस्कुट। नमकीन बिस्कुट कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ₹10 लेगा, बिस्कुट ला दो। पापा का शक्ल बेकारी जैसी हो रही है, ऊपर तो चिल्ला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो मेरी थोड़ी पुरानी है बट बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने अपलोड कर दी है। सो यहाँ पर अभी हम आए हैं बच्चों की ड्रेस लेने के लिए, और स्कूल खुलने का फर्स्ट डे है और इतनी सारी भीड़ और कंप्लीट ड्रेस ही नहीं मिल पा रही। तो मैं तो थोड़ा सदमे में जा रही हूँ कि भैया कल से स्कूल भेजना, और ड्रेस मैं कहाँ से लूँ, तो कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। गाइस आई एम बैक, और इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत हो रखी है शॉप्स पे, इट इज़ लाइक कि फ्री में बट रहा है, वेटिंग चल रही है, सामान नहीं मिल पा रहा पूरी तरीके से।
तो अभी मुझे ले देखे गट्टू के जूते नहीं मिल पाए थे किसी भी दुकान पर, रिधांश के मिल गए थे। तो गट्टू के जूते मैंने अभी जूते वाले रैक में आके देखे, तो गट्टू गॉट टू पेयर ऑफ शूज जो रिधांश के थे वो मैं इसको दे दूंगी और गट्टू का काम हो गया। सो फिलहाल दीपक को जाना है पूना, वो कर रहा अपनी पैकिंग और नाउ आई एम फ्री। मैं सोच रही चली जाती हूँ मम्मी के यहाँ। सो मैंने अपने घर पे खाना तो बनाया नहीं था और मैं पहुंच गई मम्मी के घर पे खाना खाने के लिए। राइट में मेरी मासी बैठी है और लेफ्ट में मेरे जीजा बैठे हैं, सामने दीपक है और फिर भाई बैठा हुआ है। ज़मीन पर बैठ के खाना खाने का ना अपना ही अलग मज़ा होता है, ना गिरने के चांसेस होते हैं और ना ही फॉर्मेलिटी के चांसेस होते हैं। चल रहा है डिनर टाइम और ये वाली सब्जी इज अनबीटेबल और ये भी बहुत मस्त है, पापा ने बनाई है। छाछ चटनी वटनी मैं कितना कम खाती हूँ, सारे कितना ज़्यादा खाते हैं। बच्चों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है।